सेल्फ डाउट एंड डाउट फ्रॉम अदर्स, ये दोनों ही बहुत ही वैलिड इमोशन है और ऐसा नहीं होता कि आप वो कभी खत्म हो जाता है, ठीक है। आप, मैंने तो $3 बिलियन की कंपनी भी बनाई, जब मैं $3 बिलियन का बिजनेस भी चला रहा था ना, तब भी मेरे को बहुत सेल्फ डाउट होता था, बट ये खत्म एक सीक्वेंस में होना चाहिए। आप उसकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट फ्रॉम अदर्स शुड डाई फर्स्ट, दैट इज द नेगेटिव डाउट। उसमें कोई कभी कुछ पॉजिटिव आपका निकलेगा ही नहीं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे इंजीनियरिंग करने गया था ये क्या काम कर रहा है, या इसकी नौकरी नहीं लगी इसलिए ये काम कर रहा होगा, या इसके पेरेंट्स तो यार अच्छे खासे सेटल्ड हैं, ये पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे पहले दिमाग से निकालनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर तुम यही सोचते रह गए कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो यू आर नॉट रेडी फॉर द टफ वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एटलीस्ट सेल्फ डाउट इज गुड इन द सेंस कि टू द एक्सटेंट इट कीप्स यू ऑनेस्ट, कि यार आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, वो वाला सेल्फ डाउट अच्छा है, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब आप यू कांट बी लाइक किलिंग योर सेल्फ कि यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है, वो नेगेटिव सेल्फ डाउट है। सो एंड मेरे को लगता है पॉजिटिव वाला सेल्फ डाउट तो हमेशा रहना चाहिए। आपने 3 बिलियन की कंपनी बनाई या 3 करोड़ की कंपनी बनाई या मतलब आप प्रधानमंत्री बन गए, आपको सेल्फ डाउट पॉजिटिव वाला रखना है। सेल्फ डाउट नेगेटिव वाला आपको सेकेंड किल करना है, राइट। सो दैट्स माई लिमिटेड व्यू ऑन, बट हमेशा सेल्फ डाउट होता है यार। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको लग रहा है बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है, ठीक है, मेरे को पता ना मेरे अंदर से कितनी फटी पड़ी है, ठीक है। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, आपको एक बात मान के चलो 140 करोड़ लोग हैं जिनसे आप कंपीट कर रहे हो, और गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी बोल ले, कभी सोशल सिक्योरिटी नहीं होने वाली। आप घर बैठ गए तो आपको कोई नहीं खाना खिलाने वाला, तो आपको हर रोज जाके मेहनत करनी है, हर रोज जाके ग्रो करना है। अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आप खुद भी ग्रो करोगे, बाकियों को भी अपने साथ ग्रो करोगे। फंडामेंटली जो आप कर रहे हो, आपके दिमाग का एक हिस्सा आपको बोल रहा है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट आप फॉर सम रीजन उसको करे जा रहे हो। ओनली इन दैट सिचुएशन मेरे को लगता है कि आपका दिमाग, मतलब जेन्युइन जो होता है ना कि यार बंदे का दिमाग चलना बंद हो गया उसके बाद, वो तभी हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको मजा आ रहा है तो आपको फील ही नहीं होगा। आपकी बॉडी को हो सकता है फील हो, बट आपको कभी फील ही नहीं होगी, वो थकान ही नहीं होगी, कभी ऐसा होएगा ही नहीं कि मेरे से सुबह उठे नहीं जा रहा। वो तभी होता है जब कोई आपका दिमाग का हिस्सा बोल रहा है यार क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। अगर आपको वो वाली फीलिंग आने लग जाए ना बर्नआउट की, तो यू हैव टू एक्चुअली स्टॉप एंड थिंक हार्ड कि मैं कर क्या रहा हूँ एंड कहाँ से ये फीलिंग आ रही है मेरे को, एंड वो आपका जवाब अंदर ही अंदर से मिल जाएगा। आप किसी के पास भी जाओगे ना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो ना ही बोलेगा, बिकॉज उसको लगता है मेरी पावर ये है, ये कुछ करना चाहता है, मैंने मना कर दिया तो मेरी पावर है। अगर मैंने इसको बोल दिया हाँ जी आगे जाओ कर लो, तो मेरी पावर क्या है, ठीक है। तो इंडिया में बाय डेफिनेशन आप किसी को बोलो ना, मतलब आप कोई भी बिजनेस उठा लो, आप किसी वकील को जाके पूछ लो ये कर सकते हैं, बोलेगा नहीं नहीं अलाउड ही नहीं है। मैं तो आपको ये भी लिख के दे सकता हूँ कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि हिंदुस्तान में सांस लेना भी गुनाह है। हो जाएगा प्रूफ, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल लगेंगे, 1-2 करोड़ रुपए लग जाएंगे, बट हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सी, अगर आपका इंटेंशन सही है, यू डूइंग इंटेंशनली राइट थिंग कर रहे हो, राइट, मतलब ठीक है ड्रग्स बेच रहे हो तो भाई गलत काम है। वो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, बट अगर आप एक फंडामेंटली मार्केट में एक नीड है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, अपने आप को ना पीछे मत खींचो, खुद को मत पीछे खींचो, बाकी तुमको पीछे खींचने वाले बहुत फौज पड़ी हमारे पास, यहाँ पे सेना है जो तुमको पीछे खींचना चाहती है। खुद को मत पीछे खींचो ये सोच सोच के, अरे ये लीगल है, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये किसी लॉ में लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। आई गिव यू क्लासिक एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग मर्चेंट्स इन भारत पे, आई नेवर यूज्ड टू टेक एनी KYC डॉक्यूमेंट, और जितने वकील मिलते थे ना सब बोलते थे तू मरेगा, एक दिन तू मर जाएगा, RBI आ जाएगा। मैं बोला यार इतना क्या डर आ रहा है, मतलब मैंने बोला यार मेरे को एक बात बताओ, मैं KYC क्यों चाहिए, बैंक ने ऑलरेडी KYC कर रखा है, अब मैं बैंक के पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, UPI के थ्रू जा रहा है, तो पूरा ट्रैक है ना कि जिस जगह से जा रहा है वो किसका है वो भी पता है, जहां जा रहा है वो भी पता है, कैसे गया वो भी पता है। अब मैं इसके ऊपर एक और मतलब कागज इकट्ठे करूं तो चूहे खाएंगे, और तो किसी का पेट भरने नहीं वाला उससे। सो आई डिडंट टेक KYC, एंड इवेंचुअली पीपल से डर है हाँ क्यों चाहिए, ठीक है, आज तक कोई नहीं आया, उस टाइम सब डराते थे KYC नहीं लोगे तो मर जाओगे, PayTM मर गया, PayTM RBI आ गया KYC के पीछे, कुछ नहीं होता है। यू नो आई वुड जस्ट से
माफी मांग लेना बाद में, बोलना जी हमको पता नहीं था, बट डोंट जज योर सेल्फ कि ये नहीं कर सकते।